हाय गाइज, वेलकम टू माय चैनल क्रिस्टा पिटबुल। अगर गाइज मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल को प्रेस कर देना, जिससे गाइज वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। गाइज आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइज आज आप लोग के लिए रक्षाबंधन के मौके पर आप लोग के लिए स्पेशल ऑफर लेके आए हूँ। प्लीज़ आज की वीडियो फुल वॉच करिएगा। गाइज ये फर्स्ट पपी है। गाइज इसकी लोकेशन मैं नहीं बताऊंगा, सिर्फ व्हाट्सएप नंबर दूंगा इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होने का। प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करेंगे तभी आप लोग जान पाएंगे। गाइज ये जो पपी है ये मिक्स पपी है, और गाइज ये जो पपी का प्राइस उन्होंने बताया ओनली 1000 बताया है। गाइज ये रॉटवाइलर है, जर्मन शेफर्ड मिक्स पपी है। तो गाइज जो हमारे अगले ओनर हैं उनके पास गाइज और भी पपीज़ हैं, प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करिएगा। गाइज ये हमारे अगले ओनर, उनके पास पॉइंटर की पपीज़ हैं। गाइज आप लोग पॉइंटर डॉग ब्रीड जानते होंगे, जो कि हंटिंग डॉग ब्रीड होती है। गाइज जिसमें मेल का प्राइस उन्होंने रखा है ओनली 12000 रखा है, और फीमेल का प्राइस ओनली 10000 रखा है। गाइज क्वालिटी अल्टीमेट है, आप लोग देख सकते हैं लॉन्ग ईयर है इनके। इस क्वालिटी सुपर पपीज वाइट कलर में, ब्राउन एंड वाइट कलर में है, मदर के कलर में है, फादर की मैटिंग की वीडियो आप लोग ओनर से खुद ही मांग लेते हैं। और गाइस देख लीजिए क्वालिटी काफ़ी अल्टीमेट है इनकी, पपी हैवी बोन है। गाइस ये जो डॉग ब्रीड होती है गार्डिंग के लिए भी अच्छी होती है, फैमिली डॉग ब्रीड भी होती है, और गाइस ये हंटिंग डॉग ब्रीड भी होती है। इसका जो ब्रीड होती है एली हंटिंग डॉग ब्रीड, और इसे पहले ज़माने में हंटिंग के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे डग हंटिंग और पिग विग को हंटिंग में करते थे। और गाइज ओनर के पास अगली ब्रीड है, ये गाइज गोल्डन रिट्रीवर का पपी है। ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी में पपी है ये। अगर आप लोग को पपी अच्छा लगता है तो प्लीज़ पैक करिए। जो गाइज ओनर ने इस पपी का प्राइस रखा है वो सिर्फ और सिर्फ 16000 रखा है गाइज, जो कि 18000 में आते गोल्डन रिट्रीवर के मेल के पपी। गाइज ओनर ने इसका जो प्राइस रखा है काफ़ी ज़्यादा लो कर दिया है, जो कि सिर्फ और सिर्फ 16000 है। प्राइस थोड़ा बहुत आप लोग और भी कम कराइएगा, डिलीवरी ऑल ओवर इंडिया हो जाएगी, ओनर की लोकेशन पंजाब है, और गाइज डिलीवरी ओनर कर देंगे, कैश ऑन डिलीवरी कर देंगे, सिर्फ और सिर्फ पास के एरिया में जो उनके पास में रहते हैं पंजाब के वहाँ पे कर देंगे ओनर। अगर आप लोग डिलीवरी कराना चाहते हो तो वो भी हो जाएगी। ओनर के पास जो अगली ब्रीड है जो कि है ब्रॉडी एक्स मेल, कोई सेल के लिए ओनर ने पता नहीं क्या लिख दिया है, मेरे को भी नहीं समझ में आया। गाइस ये फ्रेंच मैस्टिफ के पपी हैं, काफ़ी अच्छी क्वालिटी में। देख लीजिए गाइस हेड साइज भी इनका पपी का काफ़ी अच्छा, जो ओनर ने पपी का प्राइस रखा है सिर्फ और सिर्फ 15000 में फीमेल है और 18000 का मेल है। गाइस क्वालिटी और प्राइस दोनों अच्छे हैं, आप लोग इन पपीज को भी ले सकते हैं, डिलीवरी ऑल ओवर इंडिया कर देंगे ओनर। गाइस पपीज की जो एज है, ये पपीज 45 डेज ओल्ड हो चुके हैं, आप लोग इन पपीज को बाय कर सकते हैं। गाइस आप लोग प्लीज़ 30 डेज ओल्ड पपी कभी भी मत लिया करिए। और जो मैंने फर्स्ट पपी दिखाया ना मिक्स वाला, उसको आप लोग तो लेंगे ही, मुझे जानता हूँ मैं, आप लोग कॉल जरूर करेंगे ओनर को, इसलिए वीडियो को फुल वॉच करिएगा। आखिरी में शायद उसका मैं नंबर दे दूँ। गाइस देख लीजिए ओनर के पास अगली ब्रीड है जो कि गोल्डन रिट्रीवर का पपी है, ये भी गाइस ये फीमेल है। और गाइस जो ओनर ने इस पपी का प्राइस रखा है सिर्फ और सिर्फ 14000 रखा है। गाइस अच्छा कोट है इसका, जैसे पहले वाला पपी था वो केसीआर रजिस्टर भी आप लोग लेना चाहते हैं वो भी ले सकते हैं, ओनर के पास केसीआर रजिस्टर भी पपी मिल जाते हैं। और ब्लड लाइन के ऊपर होता है गाइस सब चीज़ डिपेंड, ऐसी ब्लड लाइन आप लोग लेते हैं चैंपियन लेते हैं। उस ओनर के पास जो अगली ब्रीड है, जो कि गाइस काफ़ी गार्डिंग के लिए भी अच्छा होता है, फैमिली डॉग ब्रीड होती है, काफ़ी ब्यूटीफुल भी डॉग ब्रीड होती है। गाइस जो हस्की होता है बिल्कुल वुल्फ की तरह लगता है देखने में। गाइस देख लीजिए काफ़ी अच्छी क्वालिटी में पपी है। गाइस ये ऑड आइज में भी पपी है, ब्लैक आइज में है, नॉर्मल जिसे कहते हैं आइज। अगर आप लोग ब्लू आइज में पपी लेना चाहते हैं तो भी ओनर के पास मिल जाएगी, ओनर की लोकेशन पंजाब है। गाइस ये पपी काफ़ी अच्छी क्वालिटी में आप लोग देख सकते हैं, हैवी बोन है, गाइस काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा है देखने में। गाइस डैडी बियर की तरह लगता है देखने में मेरे हिसाब से। गाइस काफ़ी अच्छी होती है, इसकी टेल भी देख सकते हैं काफ़ी रफ परी, और काफ़ी इसकी क्वालिटी भी अच्छी है। और वैसे ओनर के पास अगली ब्रीड है जो कि पिटबुल का पपी, ये 5 मंथ ओल्ड पपी हो चुका है, 5 या 6 मंथ ओल्ड है, इससे ज़्यादा नहीं है पपी की एज। गाइस इतना ही बड़ा मेरा क्रिस भी हो गया है, इतनी एज है उस क्रिस की भी मेरे। तो अगर आप लोग को गाइस ये पपी अच्छा लगता है तो आप लोग बाय कर सकते हो, ओनर ने जो इसका प्राइस रखा है सिर्फ और सिर्फ 10000 रखा है। गाइस क्वालिटी ठीक है इसकी, नॉर्मल क्वालिटी है, ज़्यादा अच्छी भी नहीं है ना ज़्यादा ख़राब है। और गाइस हेल्दी पपी है, हैवी बोन है, आप लोग इसकी ईयर क्रॉप अपी करा सकते हैं, रेड नोज़ है, क्वालिटी अच्छी लग रही है इसकी देखने में भी। बट गाइस ये देख लीजिए आप लोग, बोन में बस फ़र्क होता है। गाइस जैसे मेरा क्रिश है उसकी हैवी बोन है वो, और गाइस जैसे ये ऐसे इतना ज़्यादा हैवी बोन नहीं जितना मेरा क्रिश का। गाइस यही होता है क्वालिटी और ब्लड लाइन के ऊपर डिपेंड होती है, यही आप लोग को कहता हूँ मैं, ब्लड लाइन के पपी लोगे तो अच्छी क्वालिटी में निकलेंगे। गाइस जो क्रिश है वो कश्मीर टाइगर बुलेट का है, मैंने पहले भी आप लोगों को बताया जहाँ तक वीडियो में, देख लीजिए गाइस पपी बिल्कुल देखने में क्रिश की तरह है बट उस तरह की क्वालिटी नहीं है।
क्वालिटी में बस गाइस डिफरेंस होता है यही, आप लोग कलर चाहे जितना अच्छा ले लो, जब तक क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो अच्छा नहीं लगेगा बड़े होके, चाहे आप लोग जितना उसको खिला लो, हैवी बोन होता है तो अच्छा लगेगा देखने में, जो बात है ना भाई। जो ओनर को अभी अगली वीडियो में दिखाता हूँ आप लोग को, प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करा करिए आप लोग, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दिया करो, सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को, क्योंकि मैं चाहता हूँ सभी के पास डॉग हो। गाइस आगे मैं आप लोग को और जो पपी दिखा दूंगा पिटबुल के, आप लोग पिटबुल बहुत अच्छा लगता है आप लोग को, मैं जल्दी लो प्राइस में लेके आऊँगा। गाइस ये एक पपी ओनर के पास थी, गाइस ओनर ने सिर्फ और सिर्फ 10,000 में रखा है, फिक्स है प्राइस गाइस, टॉप क्वालिटी का है, पिटबुल मेल पपी है। गाइस इस पपी की क्वालिटी काफ़ी सुपर है, आप लोग देख सकते हैं काफ़ी ब्यूटीफुल पपी है, और गाइस 10,000 में क्वालिटी भी इसकी ठीक ठाक है, मीडियम क्वालिटी है। जो हाई रेंज में होते पपी उनकी क्वालिटी अलग होती है, क्वालिटी भी इस पपी की काफ़ी अच्छी है, हैवी बोन है। गाइस ये बॉक्सर का पपी ओनर के पास, वाइट कलर का फीमेल है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी में, इसका हेड साइज देख सकते हैं आप, इतना अच्छा लग रहा है, क्यूट लग रही है इनको देखने में। अगर आप लोग को फीमेल अच्छी लगती है तो आप लोग जरूर बाय करिए इस फीमेल को, काफ़ी अच्छी क्वालिटी में। गाइस जो बॉक्सर डॉग ब्रीड होती है काफ़ी फैमिली डॉग ब्रीड भी होती है, और गार्डिंग के लिए तो सुपर होती है। गाइस पुलिस डॉग ब्रीड भी होती है, सब कहते हैं इसे। गाइस जो ओनर के पास अगली ब्रीड है, गाइस हमारे अगले ओनर हैं उनके पास जो ब्रीड है जो कि है रॉटवाइलर का पपी है, इसकी मैंने वीडियो पहले भी ला चुका हूँ। गाइस जो पपी है सेल के लिए ओनली 10,000 में, गाइस वैक्सीनेशन डन है इस पपी की, अगर आप लोग लेना चाहते हैं इस पपी को है तो लोग फटाफट से देर ना करिए, फटाफट से इस पपी को पैक कर लीजिए, क्वालिटी से काफ़ी अल्टीमेट है, देख सकते हैं हैवी बोन है, कलर भी डार्क है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी में, आप लोग देर मत करिए। ओनर की जो लोकेशन है वो दिल्ली है। गाइस मैं देखो बता देता हूँ कि अब फर्स्ट ओनर है ये सेकंड ओनर है, फर्स्ट ओनर मिक्स वाले थे, सेकंड ओनर जो अभी तक दिखाया मैंने, और ये थर्ड ओनर के पास रॉटवेलर, नहीं आप लोग समझ जाए करो गाइस, आप लोग बाद में मुझसे पूछते प्राइस क्या है नंबर क्या है, गाइस ये मैं बार बार तुम्हें बता पाऊँगा, आप लोग ना आप लोग भी समझा करो थोड़ा, वीडियो देखा करो आप लोग पूरी ध्यान से देखा करो, तभी आप लोग समझ पाओगे, तभी तो मैं कहता हूँ वीडियो फुल वॉच करा करो, फिर आप लोग बार बार बीच में काट देते हो वीडियो को, फिर आगे बढ़ जाते हो तो आप लोग फिर भूल जाते हो इतनी चीज़ क्या आती है वहाँ पे ना, तो समझो भाई आप लोग अपने आप देखा करो कोई वीडियो, मैं सच चीज़ तो बता देता हूँ वीडियो में क्या लोकेशन है उसकी, क्या है नंबर है, सब तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ मैं ऐसे कमेंट करने को कहता हूँ जैसे आप लोग को कोई ब्रीड चाहिए, अभी कोई और इशू है ओनर के द्वारा कि ओनर कॉल नहीं उठा रहा है, ओनर मुझसे ज़्यादा पैसे मांग रहा है आपकी वीडियो से, तो भाई आप लोग ये सब मुझसे पूछ सकते हो, लेकिन फ्रॉड वाले प्लीज़ कमेंट मत करें ना, फ्रॉड कॉल ओनर को कॉल करें, डिलीवरी रॉट वेलर की ऑल ओवर इंडिया कर देंगे ओनर, आप लोग अगर दिल्ली से हैं तो कैश ऑन डिलीवरी भी हो जाएगी वो पास के एरिया में, बाकी गाइस डिलीवरी चार्ज एक्स्ट्रा होता है पपी के प्राइस से, आप लोग जानते ही हो। गाइस पपी को लेने से पहले आप लोग अच्छी सी क्वालिटी इसको देख लीजिए, क्वालिटी गाइस इसकी अच्छी है। गाइस आप लोग को एक ट्रिक बताऊँगा मैं, आप लोग अगर कमेंट करेंगे एक ट्रिक है गाइस, उससे आप लोग ना पपी फटाक से बाय कर सकते हो, जहाँ जिस पपी का प्राइस अगर 10,000 में तो आप लोग को 5,000 में मिल जाएगा वो पपी, वो ट्रिक जाने के लिए मुझे कमेंट करेगा जो भी, उससे मैं वो ट्रिक बता दूंगा, मैं वीडियो भी जल्दी बना दूंगा उसकी। वैसे ओनर के पास अगली ब्रीड है जो कि अमेरिकन बुली के पपी, जो कि ग्रेट क्वालिटी में है। वैसे अगर आप लोग पपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ फटाफट से इस पपी को बाय कर लीजिए, क्योंकि गाइस मेल एंड फीमेल सभी चीज अवेलेबल है ओनर के पास, ब्लू कलर में, वाइट कलर में, एलिफेंट कलर जिसे कहते हैं, काफ़ी क्यूट पपी है, हैवी बोन है, हैवी हेड एंड गाइस ये होती है असली क्वालिटी में पपी। गाइस जो कि इन पपी का प्राइस है वो गाइस 15,000 में मेल है और 14,000 में फीमेल है, और गाइस ओनर ने जो इसका प्राइस कम कर दिया रक्षाबंधन के ऑफर के लिए, गाइस ओनर ने 12,000 का मेल रख दिया है, 11,000 का फीमेल रख दिया, गाइस इतने कम प्राइस में रख दिया ओनर ने, अब तो आप लोग देर मत करो, अब तो फटाफट से बाय कर लो, डिलीवरी ऑल ओवर कर देंगे इंडिया, डिलीवरी ऑल ओवर इंडिया हो जाएगी, हैवी हेड है पपीज़ का, मैटिंग वीडियो फोटो के लिए आप तो ओनर को कॉल कर सकते हैं, क्वालिटी पपीज़ की काफ़ी अच्छी है। अगर आप लोग गाइस ये पपी अच्छे लगते हैं तो आप लोग फटाफट से ले लीजिए, क्वालिटी इनकी सुपर है, ग्रेट क्वालिटी, हैवी बोन है, गाइस काफ़ी तो क्यूट पपी लग रहे हैं, बिल्कुल देखने में बिल्कुल मस्कुलर पपी लग रहे हैं, हेल्दी पपी हैं, देख सकते हैं आप लोग, गाइस ये होते हैं हेल्दी पपी जो आप लोग ले आते हो पेट शॉप्स, भाई पेट शॉप से मत लिया करो पपी, मैं सच कह रहा हूँ, वो लोग कहीं और से दे देते हैं आपको, रेट भी ज़्यादा कर देते हैं, मैं अपनी वीडियो में जब लेके आता हूँ तो आप लोग कहीं और क्यों जाते हो, सब्सक्राइब कर दिया करो यार, मैं तो आप लोग के लिए लाता हूँ वीडियो। गाइस आप लोग को पपी अच्छे लगते तो प्लीज़ देर मत करते हो, फटाफट से इन पपीज को बाय कर लो, काफ़ी अच्छी क्वालिटी में है। अभी गाइस मैं और भी पपी आप लोग को दिखाऊंगा, वीडियो में पूरा वॉच करिएगा तभी आप लोग जान पाएंगे, शायद गाइस आगे और भी पपी लो प्राइस में है तो प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करिएगा।
गाइस शायद मैं वीडियो थोड़ी लंबी बनाता हूँ गाइस, इसलिए मैं लंबी बनाता हूँ क्योंकि ओनर मुझे ज़्यादा वीडियो भेज देते हैं, कहते हैं ये सभी पपी सेल करना, तो मैं एक एक वीडियो तो रोज़ डाल नहीं पाऊंगा क्योंकि वो पपी सेल भी होने हैं, जिसमें बड़ी वीडियो बनानी पड़ जाती है मुझे। और गाइस आप लोग कमेंट में ये मत पूछा करो प्राइस क्या है, गाइस मैं प्राइस बता तो देता हूँ और कितना बताऊँ गाइस, आप लोग वीडियो नहीं देखते तो मैं क्या करूँ, मतलब वीडियो वॉच किया करो फुल, काफ़ी आप लोग जान पाओगे कि क्या प्राइस है, क्या लोकेशन है, क्या नंबर है ओनर का, क्या एज है पपीज की। अच्छा गाइज मैंने इन पपीज़ की एज नहीं बताई आप लोग को, गाइज इन पपीज़ की जो एज है 25 डेज ओल्ड हो चुके हैं पपीज, तो आप लोग ले सकते हैं 25 डेज ओल्ड में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, अगर आप लोग सही सकेंगे पपी को, आप लोग बाहर मत ले जाइएगा पपी को, ठीक है। 5 मंथ का जब पपी हो जाए तभी आप लोग, जब वैक्सीनेशन उसकी डन हो जाए पूरी अच्छे से तभी आप लोग ले जाए, ज़्यादा सही रहेगा, पार्वो से बच जाएगा पपी, जो पार्वो वायरस होता है ना उससे पपी के चांस डेथ ही होती है, चांस तो बहुत कम होता है बचने के, डेथ ही होती है ज़्यादा से ज़्यादा, प्लीज़ पपी को केयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। और गाइस जो मेरे पास अगली ब्रीड है गाइस गोल्डन रिट्रीवर का पपी है, जो काफ़ी अच्छी क्वालिटी में, अगर गाइस आपको पपी अच्छा लगता है तो प्लीज़ बाय करो, ऑनलाइन जो प्राइस रखा बाहर करना में पपी है, जो गाइस इस पपी का प्राइस रखा ओनली गाइस 60,000 रखा है, डार्क कलर है इसका काफ़ी अल्टीमेट क्वालिटी में, अगर आपको गाइस ये पपी अच्छा लगता है तो प्लीज़ बाय करो इस पपी को, गाइज मेरे हिसाब से पपी काफ़ी क्यूट और काफ़ी अच्छी क्वालिटी में, अगर आप लोग फैमिली डॉग ब्रीड लेना चाहते हैं, फ्रेंडली डॉग ब्रीड लेना चाहते हैं, फिर गार्डन डॉग ब्रीड लेना चाहते हैं, गाइज गार्डन लैब्राडोर और सब और गोल्डन रिट्रीवर काफ़ी कम करते हैं ऐसा सब लोग कहते हैं, गाइज ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, गाइज ये दोनों ही डॉग ब्रीड काफ़ी अच्छी फ्रेंडली और गार्डन डॉग ब्रीड भी होती है, इस लैब्राडोर जो होता है वो भी गार्डन के लिए अच्छा होता है, गोल्डन रिट्रीवर भी अच्छा होता है, आप लोग ज़्यादा चैनल पर भी इसको बाय करो, तक गाइज मैं कहता हूँ अपनी वीडियो में कि ये अल्टीमेट क्वालिटी आप लोग जरूर बाय करो, तो आप लोग जरूर बाय करा करो, क्योंकि गाइज ऐसा होता है कि मैं अच्छी क्वालिटी देख के आप लोग को बताऊंगा कि ये ऐसी क्वालिटी अच्छी गाइज, क्योंकि मुझे डॉग्स के बारे में ज़्यादा पता है, नॉलेज है कि क्वालिटी कौन सी लेनी चाहिए, अच्छा क्या बनेगा वो भी, तो प्लीज़ अगर आप लोग पूछना चाहते हैं मुझे फ़ोटो भी भेज सकते हैं व्हाट्सअप पे, अगर मेरा नंबर आप लोग को एक बार मिल गया था, आप लोगों ने बहुत परेशान कर लिया था मुझे कॉल करके, अब मैंने नंबर वाला हटा दिया, गाइज जो हमारे अगले ओनर हैं आप लोग को दिखाता हूँ मैं, प्लीज़ थोड़ा सा वेट, गाइज जो हमारे अगले ओनर हैं उनके पास जो लैब्रा का फीमेल है, जैसे लैब्राडोर की फीमेल है, जैसे इसकी एज हो गई है 2 ईयर हो गई है, अगर जो ओनर ने इसका प्राइस रखा है ओनली 9,000 रखा है गाइस, इसका लेटर भी डन हो चुका है पहले 2 मंथ पहले हो चुका है लेटर डन इसका, गाइस क्वालिटी इसको इसके पपीज़ की जो होती है ना काफ़ी अच्छी क्वालिटी में होती है, शॉर्ट टेल है इसकी, लॉन्ग हेयर देख सकते हैं आप लोग, काफ़ी अच्छी क्वालिटी में फीमेल है, हैवी भी है, तो आप लोग को इस कार्टिंग के लिए तो लेनी है ना, तो आप लोग इस फीमेल को जरूर बाय कर लो, इस क्वालिटी वाइज काफ़ी अच्छी फीमेल है गाइस, ये हमारे थर्ड ओनर के पास है, आप लोग फोर्थ ओनर के पास है, थर्ड ओनर तो हो चुके हैं, फोर्थ ओनर है गाइस, ये मैं बार बार बोल रहा हूँ ठीक है, वीडियो को मैं ध्यान से सुन लिया करो, फिर उसके बाद जाया करो आप लोग ओनर से कॉल वॉल करने, ठीक है, तो देख लो आप लोग क्वालिटी कैसी है, आप लोग को लगती है अच्छी लगती है इस पपी की क्वालिटी, इसकी पपीस भी आप लोग ले सकते हैं, नियर हीट पे आने वाली है तो आप लोग ले लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, फीमेल को काफ़ी अच्छी क्वालिटी में देख सकते हैं हम लोग, काफ़ी क्यूट भी है, लैब्रा की फीमेल है गाइस, काफ़ी हैवी है, आप लोग अगर लेंगे ना आप लोग को बढ़िया क्वालिटी में मिलने गई, लो प्राइस में 9,000 में फीमेल है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी, ब्लैक कलर में है, वैसे आप मैंने देखा कि ज़्यादा लोग मांगते हैं ब्लैक कलर नहीं मांगता कोई गाइस, मैं बताता हूँ ब्लैक कलर काफ़ी शाइन करता है, वाइट कलर इतना नहीं शाइन करेगा इतना ब्लैक करता है शाइन, जब गाइस आप लोग उसको बात कराएंगे ना तो उसके बाद जो इसकी शाइनिंग निकल के आएगी ना इतनी ज़्यादा अच्छी लगती है वो देखने में, गाइस मैंने भी लैब्राडोर पाला था गाइस, मैंने बहुत सी डॉग ब्रीड पाल रखी थी बट गाइस वो रिप हो गए सारे पपीज और डॉग, गाइस ये क्रश है मेरे पास, अभी और भी लाऊंगा डॉग्स तो आप लोग को दिखाऊंगा मैं कौन सा लाता हूँ, तो प्लीज़ गाइस वीडियो को मेरी दौर देखने को, अगर आप लोग बता सकते हैं कि कौन सा मैं ब्रीड लाऊंगा जल्दी तो बताइएगा गाइस, मैं सोच रहा हूँ लाने के लिए, कोई कंफर्म नहीं कि लाऊं, सोच रहा हूँ ऐसा कोई डॉग ब्रीड मैं भी लेके आऊँ एक, गाइस मेरे मन कर रहा है कि मैं कौन सा डॉग ब्रीड लेके आऊँ, गाइस मेरी फेवरेट सेकंड नंबर पे आती है मेरी फेवरेट डॉग ब्रीड जो कि गाइस पाकिस्तानी बुली, मुझे गाइस ऐसा है कि मुझे फाइटिंग डॉग ब्रीड बहुत अच्छी लगती है, अगर आप लोग को भी अच्छी लगती है फाइटिंग डॉग ब्रीड तो आप लोग भी ले सकते हैं, गाइस मैं वैसे फ़ाइट नहीं कराता हूँ, मैं बस बता रहा हूँ तो शौक है ऐसा कि मुझे फाइटिंग डॉग ब्रीड रखनी है, मेरा बचपन से शौक था एक पिटबुल रखने का, पिटबुल है गाइस मेरे पास, वो फाइटर ब्लड का है, तो गाइस वो हशमी टाइगर ब्लड आप लोग जानते हैं, ये काफ़ी फेमस ब्लड है गाइस, जो हशमी टाइगर ब्लड के पपीज़ होते हैं वो काफ़ी मस्कुलर हो जाते हैं, आप लोगों को मैं किसी दिन किसी की शॉर्ट वीडियो डालूंगा तो आप लोग देखिएगा,
गाइस हमारे अगले ओनर है उनके पास जो गाइस जर्मन शेफर्ड का पपी है। गाइस एक केसियर स्टड जर्मन शेफर्ड पपी है, 6 मंथ ओल्ड हो चुका है। गाइस सिंगल कोट का पपी है जो गाइस मेल पपी है जो गाइस इसका ओनर ने प्राइस रखा है गाइस 20,000 रखा है गाइस इसका। गाइस केसियर स्टड है पपी है, माइक्रोचिप के साथ आपको मिलेगा ये पपी। इसके फादर जो है शेरू है जो कि चैंपियन है टॉक शो के, तो इसलिए गाइस इस पपी का प्राइस थोड़ा सा हाई है। 6 मंथ ओल्ड हो चुका है पपी, देख सकते हैं आप उसका बॉडी स्ट्रक्चर को डॉग शो वाले पपी की तरह लगता है देखने में। तो अगर आप लोगों को पपी अच्छा लगता है तो प्लीज़ ट्राई कर लो इस पपी को, क्वालिटी तो इसकी सुपर है। गाइस मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को मेरे प्लीज सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल को प्रेस कर देना, जिससे नोटिफिकेशन से आपको वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, बाय गाइज़।